हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन हार्ट गोल्ड वर्जन। और गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो हम थे वॉयलेट सिटी में और हम भाई वहाँ के जिम ट्रेनर को हराने जा रहे थे। पता नहीं जबान क्यों फिसल रही है, तो उसको हराने जा रहे थे। लेकिन भाई वहाँ पर जाकर हमको पता चला उनके जिम में कि जिम ट्रेनर को हराने से पहले हमको यहाँ पर इस टावर में आना पड़ेगा और यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके हम जिम ट्रेनर को हराने के काबिल होंगे। भाई ये कैसी एग्ज़ाम है, ये कैसी परीक्षा है, ये तो मुझे नहीं पता, पर ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर ली परीक्षा और अब हम हैं यहाँ पे। और ये टकलू और से आ गए यार, बहुत सारे यहाँ पे। कितने हैं यहाँ पे? तो 3-4 हैं। और ये आंटी से शायद मैंने बात की थी। अच्छा, अरे गाइज, हम लोग वापस अपने पहले वाले फ्लोर में आ गए हैं और अपन तो अभी तक टॉप पे पहुँचे भी नहीं है भाई। ठीक है, मैं वापस से जाने वाला हूँ अंदर। और इस बार थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको, ये टावर के कहीं हम जा सकते हैं क्या अंदर वगैरह? नहीं ना, नहीं टावर के अंदर तो नहीं जा सकते। और ये मूर्तियों की वजह से इधर पीछे भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो भाई आखिर जाना किधर है? ठीक है, फिर भी एक और बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से मैं ऊपर गया, ओके, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हम ऊपर आए थे। ठीक है, यहाँ से ऊपर आए थे। और ये वाइल्ड पोकेमॉन, ओके, ये वाइल्ड पोकेमॉन तो भाई इन्होंने जीना आराम कर दिया है। और ये कौन है भाई? किसी का फ़ोन आ रहा है गाइस, एक बार चेक कर लेते हैं। कौन है? जोई। यार ये तो आजकल रोज ही कॉल करने लगा है। गुड इवनिंग मॉन्टी, इट्स मी जोई, वेयर आर यू? अवे, ओ ये आई टुक डाउन अ रटर था इन द वाइल्ड द अदर डे, इट वॉज अ केक वॉक। वेल आई गेस इट कांट बी हेल्प अस बींग सो टफ, ऑल राइट लेटर। ओके, ये काफ़ी फ़ोन करने लगा है आजकल, मुझे पता नहीं, एक ही बंदा बग कैचर और बाकी कोई फ़ोन नहीं करता। ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो कोई तो करता है फ़ोन अपने को, रियल ज़िंदगी में तो भाई कोई नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी रियल ज़िंदगी की गाथा नहीं सुनाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं गेम में। और भाई एक सेकेंड, वापस भूल गया मैं। अरे यार ये बहुत हो रहा है गाइज, यार ये मतलब ये हद से बाहर हो रहा है ये अब। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, थोड़ा शांति रखते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पे भाई पीछे हमने जो रास्ता देखा वो सीढ़ी, हम वहाँ से ऊपर आए हैं। और यहाँ पे भाई मेरा अब दिमाग ख़राब हो रहा है, ये इतने सारे पोकेमोन क्यों आ रहे हैं भाई? और वो भी ये घास्टली कही के, यार कोई अच्छे पोकेमोन आ जाओ यार, क्या ही बताओ अब। ठीक है, इसको भी स्किप करो। ठीक है भाई, गॉट अवे सेफली, इससे इसमें ही भाई आधा टाइम चले जाता है, पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये वाला जो है, ये पहला हम यहाँ पे गए थे पिछली बार, और फिर हम यहाँ से नीचे आए थे, यहाँ पे हमको कुछ मिला नहीं था, और फिर हम यहाँ पे आगे गए थे, यहाँ पे इस टकलू को हमने हराया, और फिर हम यहाँ से ऊपर चले गए। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर आए और फिर यहाँ पे एक और वाइल्ड पोकेमोन, ओके, फिर हम यहाँ तक आ गए थे और फिर हम यहाँ पे आए और फिर हमने इस टकलू को भी हरा दिया। और इस मूर्ति को भाई हम लोग यहाँ से हटा नहीं सकते, है ना? ओके, कोई बात नहीं, चलो इसके दूसरी तरफ कहीं और से जाना होगा। और फिर हम यहाँ से ऊपर गए थे, इन तीन टकलुओं को हमने 1-2 1-2 करके हरा दिया था, और फिर हम इसके आगे नहीं। अच्छा भाई ये देखो, यहाँ पे था रास्ता और मैं नीचे चला गया पूरी तरह से। ओके, ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ माजरा हो रहा है, ये बूढ़े अंकल को ये लाल बाल वाला शायद धमका रहा है, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। एल्डर, यू शोड अस वॉट यू हैव गॉट एंड इट इज़ इंडीड गुड, टेक दिस टेक्निकल मशीन। ओके, एक मिनट, इसको टेक्निकल मशीन क्यों दे रहे हैं भाई? हाउ एवर, यू शुड केयर मोर अबाउट योर पोकेमॉन, द वे यू ट्रीट योर पोकेमॉन कैन बी टू हार्श, रिमेंबर पोकेमॉन आर नॉट टूल्स ऑफ वॉर। ओके, अच्छा ये तो वही बंदा है यार ग्रीन, जिसको मैंने वहाँ पे देखा था, मतलब रास्ते में ही अपने से लड़ा था ना, और इसने पोकेमॉन चुराया है यार। ही कॉल्स हिमसेल्फ द एल्डर बट ही वॉज नो मैच फॉर मी, श्योर इनफ दोज हु लेक्चर हाउ यू शुड बी नाइस टू पोकेमॉन दे कैनॉट डिफीट मी। अरे भाई ये आ गया, देखो ज्ञान देने लोगों को। ऑल आई केयर अबाउट आर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन दैट विन एवरी टाइम, द रेस्ट ऑफ देम डोंट मीन एनीथिंग टू मी। हाँ भाई, मैं तेरे को दिखाऊंगा वो सब। और इसने एस्केप रोप यूज़ किया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। ठीक है भाई, भाग जा अभी के लिए, लेकिन तेरे को मैं बाद में ढूंढ लूंगा। ओके, तो गाइज मेरे को लगता है कि अपने अपोनेंट ने पहले यहाँ पे अपने से आके यहाँ का जो अचीवमेंट था वो ले लिया, पर ठीक है भाई, अपनी बारी है, अब अपन भी ले लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना पोकेमॉन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अपना जो चिकोरिटा है वो स्लीप पे चली गई है, और ये पिडजी भी चला गया है क्योंकि वो पिछले फाइट में
उसके क्या कहते हैं, किसी मॉन्क के हुट हुट ने अपने को हिप्नोसिस वाला अटैक दे दिया था, उसके वजह से सब सो गए और अवेकनिंग मेरे पास है नहीं अभी, तो इसीलिए हमको ये बटरफ्री यूज़ करना पड़ेगा। वैसे बटरफ्री भी काफ़ी तगड़ा पोकेमोन है। और ये एल्डर से मिलने से पहले क्या मैं ये बॉल उठा सकता हूँ? ओके ये उठा लेते हैं भाई। क्या ये एस्केप रोप? ओके ओके चलो भाई, इसकी तो मदद लगेगी क्योंकि मैं वापस नीचे ऐसी रास्ते से नहीं जाने वाला। ओके हेलो अंकल जी, कैसे हो? दाढ़ी काफ़ी बढ़िया है आपकी। सो गुड ऑफ यू टू कम हियर। स्प्राउट टावर इज अ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। पीपल एंड पोकेमोन टेस्ट देयर बॉन्ड्स टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर। आई एम द फाइनल टेस्ट। अलाउ मी टू चेक द टाइज बिटवीन यू एंड योर पोकेमोन। ओके काफ़ी बढ़िया इन्होंने डायलॉग मारा। ओके बिल्कुल ऐसा वो सामुराई मास्टर लग रहा है भाई, पुराने टाइम का सेंस ही। पर ठीक है, इसके पास भी बेल स्प्राउट है, वो भी 7वें लेवल का यार। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं शायद इससे मैं ज़्यादा दम हो क्या पता, पर मुझे लगता है कि ये वन शॉट में चला जाएगा। ये मैं अपना कन्फ्यूजन यूज़ करके देख लेता हूँ। ओके बेल स्प्राउट और ये गया। मेरे को लगा था यार इनके मास्टर के पास कोई तगड़ा वाला होगा पोकेमोन, पर इनके पास भी बेल स्प्राउट ही था, वो भी 7 लेवल का। पर ठीक है, इनके पास हुट हुट भी है। ठीक है भाई, हुट हुट है, हुट हुट है। हुट हुट थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि वो उसके पास हिप्नोसिस हिप्नोसिस होता है, वो आपको तगड़ा क्या कहते हैं उसको टक्कर दे सकता है। पर इसको भी मैं कन्फ्यूजन दे देता हूँ, देख लेते हैं क्या होगा इससे। ओके थोड़ा सा ही डैमेज मिला है, पर ठीक है एक और बार दे देंगे तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है इसको रुको, कन्फ्यूजन नहीं इस बार अपन इसको टैकल देंगे। देखते हैं टैकल से उतना ही डैमेज मिलता है क्या? नहीं भाई टैकल से थोड़ा कम मिलता है। ओके भाई इसने अपने को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया मजाक मजाक में, इसको अभी नहीं छोड़ा जा सकता, इसको जल्दी से ख़त्म करो भाई। ओके ये ले कन्फ्यूजन। ओके अब तो जाएगा। ठीक है हुट उड़ गया, एक आखिरी बचा हुआ है। ये शायद इनका कोई क्या कहते हैं उसको हुक्म का इक्का होगा। क्या बोल बैठा भाई मैं इसके, ये तो वापस अपना बेल स्प्राउट है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, शायद ज़्यादा लेवल का होगा क्या पता। अरे ये तो मतलब इनका क्या रिकॉर्ड ही है क्या भाई, मतलब हुट ये बेल स्प्राउट ये लोग 7 लेवल के ऊपर का रखते ही नहीं शायद। ठीक है अपना ही फायदा है भाई, कन्फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। ओके और इट्स सुपर इफेक्टिव, अपना काम बन गया। ओके बेल स्प्राउट फेंटेड, अपने को मिले हैं पॉइंट्स काफ़ी सारे, और एल्डर ली हो गए हैं डिफीट। मॉन्टी गॉट, ओके काफ़ी सारे पैसे मिले हैं, काम आएंगे। ऑल राइट द वे यू बैटल इज क्वाइट एलिगेंट, यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप टू फॉकनर। ओके चलो भाई अभी हमको वैलिडेशन मिल गया है, और हमको क्या कहते हैं उसको मतलब क्या बोलेंगे यार उसको अंग्रेजी में, यार मेरी अंग्रेजी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, कि हमको मतलब ये मिल गया है, उपाधि मिल गई है कि हम अभी फॉकनर को हरा सकते हैं। एंड यू शुड बी एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दिस, इट्स अ टेक्निकल मशीन कॉल्ड फ्लैश, टेक इट विथ यू। ओके अब टीएम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? जनरली पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करता, पर टीएम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन अ पोकेमोन लर्न्स फ्लैश यू कैन एलिमिनेट केव्स नो मैटर हाउ डार्क दे मे बी। ओके यार फ्लैश अच्छा मूव है यार फिर तो, पर टीएम का मेरे ख्याल से क्या इसको लिमिटेशन रहता है ना कि उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है मुझे ठीक से, आप लोग कमेंट में बताओ। यू कैन ट्राई इट ऑन बेल स्प्राउट फॉर एग्जाम्पल। ओके ठीक है अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? आप मुझको, सॉरी मैं आप लोग बोल दिया, मैं आज बहुत फंबल हो रहा हूँ यार पता नहीं। आई होप यू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम योर जर्नी। ओके थैंक यू अंकल जी। तो हो गया मेरे ख्याल से, इनको हरा दिया हमने। हाँ भाई तो अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं गाइज, और फॉकनर को चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को एस्केप रोप लगेगा जो कि हमको अभी थोड़ी देर पहले मिला था, तो उसको उठा लेते हैं। कहाँ है भाई बैग में, कहाँ रखा था? अरे दूसरे सेक्शन में कैसे जाते हैं बैग के? बैक करो भाई, ये बैग पे मैंने क्लिक किया और फिर मैंने, अरे अरे यार ये क्या है यार, ये तो गलत बात है। ओके गाइस काफ़ी मशक्कत के बाद मेरे को बटन तो नहीं मिला, लेकिन मैंने टच करके ये ढूंढ लिया, ये वाला एस्केप रोप मिल गया अपने को। ठीक है पर यार ये बटन से साइड में क्यों नहीं हो रहा था यार, पता नहीं यार ये बटन से नहीं होता क्या गाइस? कोई बटन है क्या जो आप लोगों को पता होगा तो बताना यार। अरे क्या कर दिया मैंने, ठीक है चलो बाद में देख लूँगा, अभी पहले हम एस्केप रोप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई। ओके ये मैंने ली भाई शक्तिमान वाली चक्री, और मैं यहाँ से निकल गया। ऑल राइट चलो भाई, काफ़ी बढ़िया एनिमेशन है ये एस्केप रोप वाला, मज़ा आता है देख के। ठीक है वॉयलेट सिटी में हम लोग वापस आ गए हैं, और मुझे लगता है हम लोग अभी चैलेंज कर सकते हैं भाई फॉकनर को।
लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ इस स्प्राउट टावर में जाकर। तो मुझे लगता है हमको वीडियो यहीं पे एंड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर वेयर करो यार वीडियो, ताकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।